ये एक और बहुत ही औसम सुबह, बहुत अच्छा मौसम चल रहा है एंड मैं खा रहा हूँ नाश्ते के लिए ये एक रैप है जिसके अंदर फलाफल यानी कोफ्ता बॉल्स मतलब वेजिटेबल्स से यू नो फ्राई करके बॉल्स बनाते हैं कोफ्ते टाइप और उसको सैलड के साथ इसके अंदर फिल करके रैप में जैसे शवरमा होता है इस टाइप वेजिटेबल शवरमा। तो ये एक आइडियल ऑन द गो वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट है जो ज़्यादातर यूरोप में आपको इजीली और काफ़ी चीपली मिल जाएगा। यहाँ पर 50 ग्रीवीना यानी कि करीब करीब 125-150 के बीच में एक पड़ता है बट आपका पेट भर जाता है उतने में। तो ये एक वेजिटेरियंस के लिए अच्छा ऑप्शन है, हर जगह पे मिल जाता है बहुत ईजीली। आप कहीं पे भी वॉक करेंगे तो हर जगह ऐसे पीछे जैसे मेरा बना हुआ है छोटा सा स्टॉल्स बने हुए हैं एंड आप ले सकते हैं। ऐसी ब्रेड होती है जिसमें लपेटा जाता है उसको बोलते हैं लवाश ब्रेड। दवाज बहुत पतली सी होती है मैदे की होती है वो और उसको फिर बेक करके वो एकदम ऐसे क्रिस्पी पेपर जैसा बन जाता है, वो काफ़ी अच्छा लगता है। हाइड्रो पार्क जो कि बेसिकली एक मैनमेड आर्टिफिशियल आइलैंड है इन बिटवीन दी रिवर नीप्रो। नीप्रो वही रिवर है जो मैंने पहले दिखाई थी जो सिटी के बीचों बीच फ्लो करती है, उल्टा बोलना चाहिए कि सिटी जो है वो उस रिवर के दोनों बैंक्स पे ग्रेजुअली ओवर द ईयर्स बसी है। तो नीप्रो मेन रिवर है यहाँ पर, उसमें बीच में एक आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट किया गया है और वो बेसिकली एक रिक्रिएशनल आइलैंड है जहाँ पे लोग जाते हैं टू रिलैक्स ऑन द बीच। जो बीच बनाए गए हैं वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स वगैरह हैं, प्लस वहाँ पर एक पार्क है जिसे बोलते हैं कचालका पार्क। वो आपने यूक्रेन की वीडियो कोई भी देखेंगे तो काफ़ी चांस से आपने देखा हो। एक ओपन एयर जिम है वहाँ पर, बहुत पुराना सोवियत एरा का, बहुत सारी मशीन्स यू नो लाइक कचरे वाली चीज़ों से बनाई गई हैं या मतलब रिसाइकल्ड भी नहीं हो आइटम्स, तो फ्रेश आइटम्स भी हो, फ्रेश भी मतलब इट्स वेरी इनोवेटिव। आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था एंड वहाँ पर बहुत सारे यूक्रेनियन लोग आई मीन लोकल्स भी एज वेल एज इवन जो प्रो लेवल एथलीट्स हैं वहाँ पर ट्रेन करते हैं। यू कैन ऑलवेज फाइंड समवन यू नो विद अ रियली गुड फिजीक यू नो लाइक वर्किंग आउट ऑन दी ओपन देयर बाय द साइड ऑफ द बीच। तो वो काफ़ी अलग टाइप की एक साइट है तो आई वो ट्राई टू कवर दैट एज वेल। केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही मास्क लगाने की जरूरत होती है और कहीं कंपलसरी नहीं है मास्क लगाना। और अभी मैं जा रहा हूँ नीप्रो स्टेशन की तरफ, वहाँ के लिए ट्रेन ले रहा हूँ और नीप्रो से जस्ट एक स्टेशन पहले आर्सेन लाना स्टेशन है जो कि दुनिया का सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन है। वो बेसिकली नीप्रो रिवर के बेड के नीचे बनाया गया इसलिए सबसे डीपेस्ट है। इन एनी केस यहाँ पे मेट्रो स्टेशन सभी बहुत डीप है बिकॉज दे वर बिल्ट इन द सोवियत टाइम विद एन इंटेंशन टू बी यूज्ड एज न्यूक्लियर यू नो इन केस ऑफ न्यूक्लियर अटैक एज अ न्यूक्लियर शेल्टर। तो वो पर दुनिया का सबसे ज़्यादा डीप है। अगर आप सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को का मेट्रो स्टेशन ट्रेन जा रही है अगर उनको भी देखेंगे तो वो भी बहुत डीप है। इनफैक्ट वहीं नहीं, जितने भी प्रीवियस सोवियत एरा के सिटीज़ में बने हुए मेट्रो स्टेशन आर ऑल वेरी डीप बट वो उन सब में भी सबसे डीपेस्ट स्टेशन है आर्से नालना। सिरिलिक स्क्रिप्ट में जो रशियन स्क्रिप्ट होती है लिखा हुआ है आर्से नालना 121 एंड 122 इज़ नीप्रो, यानी कि नीप्रो जिसको प्रोनाउंस करते हैं यानी कि नेक्स्ट स्टॉप। तो मैं कोशिश करूँगा आर्से नालना अगर आपको दिखा पाऊँ एटलीस्ट उतर के ट्रेन से और स्पेशली कितना डीप है, कितने स्टेयर्स हैं ऊपर वो दिखा पाऊँ, फिर नीप्रो तो अपना स्टेशन है ही। स्टेशन पे पहुंच गया हूँ, ट्रेन जा रही है एंड अब मुझे वॉक करना है यहाँ पे बीच साइड की तरफ जहाँ पर वो कचालका आउटडोर जिम है जिसका मैंने बताया था विच इज़ अबाउट 800 मीटर्स फ्रॉम हियर। तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए 1 किलोमीटर वॉक करना है। वेदर अच्छा है तो होपफुली GPS के थ्रू नेविगेट करके वहाँ पहुँचने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वहाँ बहुत सारे कैफेज़ एंड रेस्टोरेंट्स भी हैं और काफ़ी और कुछ है यू नो एंटरटेनमेंट
के लिए। तो देखते हैं, चलते हैं वहाँ पर क्या है एक्चुअली में। सो दिस एरिया इज़ बेसिकली अ बिजी टूरिस्ट स्पॉट फॉर द लोकल्स, पर आज क्योंकि वीकेंड नहीं है और ना ही शाम का टाइम है तो ज़्यादातर खाली पड़ा हुआ है। एंड लोग ना सिर्फ खाने में, बिकॉज बहुत ज़्यादा रॉ वेजिटेबल्स एंड मीट वगैरह खाते हैं लोग, जो कि डेफिनेटली जिसके अपने तरह के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, नुकसान भी होते हैं, तो वो भी कारण है। प्लस लोग एक्सरसाइजिंग बहुत करते हैं, मतलब रनिंग हो गया या यू नो और भी एक्टिविटीज़ हैं। स्पेशली जो एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको मिलेगा कि जो USSR था उसमें स्पोर्ट्स वगैरह के लिए उसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी। स्पोर्ट्स की एकेडमीज होती थी, अगैन इनिशियल ईयर से ट्रेनिंग देता था लोगों की फिटनेस पे, बिकॉज मिलिट्री में भी इंडक्ट करते थे, एक दो साल का कंपलसरी मिलिट्री यू नो सर्व करना पड़ता था मिलिट्री में। तो लोगों की इन जनरल यू वुड सी की फिटनेस लेवल्स तभी बहुत आए थे, आज भी वो कल्चर का पार्ट क्योंकि स्पोर्ट्स बन गया, हर कोई ना कोई स्पोर्ट्स फॉलो कर ही रहा होता है, और सिर्फ मतलब देखने वाला फॉलोइंग नहीं, मतलब एक्चुअली करने वाला। तो यू वुड फाइंड पीपल आर वेरी एक्टिव फिजिकली एंड इवन टिल लेट एज दे आर वेरी वेरी फिट। आउटडोर जिम्स तो हमारे यहाँ भी हुआ करते हैं, करते थे पहले भी और अब तो और ज़्यादा होने लग गया, बट मे बी जो इन जनरल है लेवल ऑफ फिटनेस वो उतना नहीं है, फॉर अगैन अ वैरायटी ऑफ रीजंस, द लाइफस्टाइल इज सेडेंटरी एंड फूड इज़ ऑल्सो यू नो लिटल मोर ग्रीजी। तो पर यहाँ पर लोगों को बहुत क्रेज़ है जिमिंग का, ऑलमोस्ट चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई इक्विपमेंट है, लकड़ी के लॉग्स और टायर्स और स्टील वगैरह, आयरन स्टील वगैरह से ही इन्होंने इक्विपमेंट बनाए हुए। ये देखिए बूढ़े से अंकल आए हुए हैं, और भी बहुत सारे बूढ़े अंकल हैं यहाँ पे जो कर रहे हैं एक्सरसाइज, कुछ यंग लोग भी हैं। मार्क्ड वेट्स नहीं है ये, ऐसी जो भी जंक है, कोई एक्सेल है, कोई यू नो बाकी पार्ट्स हैं जंक यार्ड से जिन्हें इकट्ठा करके इन्होंने इक्विपमेंट बना लिया है। ये देखिए ओल्ड है ये एकदम, और अच्छा खासा लिफ्ट कर रहे हैं, सिंपल रोप्स एंड तो जुगाड़ है। एंड गोज ऑन टू शो कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, विल पावर चाहिए बनाने और यूज़ करने के लिए किसी चीज़ को। ग्रेट एग्जाम्पल, आई एम डीपली इम्प्रेस्ड। बुद्धा भी है यहाँ पे, शेड भी बनाया हुआ है बारिश वगैरह के लिए कि अगर बारिश हो रही हो तभी भी आप कर पाए। ये मेन एंड वुमेन दोनों के लिए ओपन है, आज तो पता नहीं यहाँ केवल मेल हैं, बट मैंने सुना है फीमेल्स भी, यू कैन इजीली स्पॉट देम। और मे बी मैं शायद ऐसे सेक्शन में हूँ कि जो ओनली मेन हो, आई डोंट नो अबाउट दैट। फेमस है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे यूक्रेन के एक्चुअल नेशनल एथलीट्स भी प्रैक्टिस करके यू नो लाइक नेशनल लेवल तक पहुँचे हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद भी यहाँ बिकॉज इतनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है इस जगह की उनके लिए, वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते हैं। हो सकता है कि यहाँ इनमें से कोई हो फॉर्मल नेशनल लेवल एथलीट जो यूक्रेन को इवन ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट कर रहा हो, कर चुका हो, तो अनयूजुअल नहीं है यहाँ पर ऐसा। एंड इवन कई टॉप मॉडल्स वगैरह भी अपने आप को यहाँ डिस्पाइट हैविंग ऑल दी मॉडर्न जिमिंग फैसिलिटीज आते हैं यहाँ पे। रिएशनल गेम चल रहा है टेबल टेनिस का, ये बॉक्सिंग के लिए बना रखा है बॉक्सिंग प्रैक्टिस, एंड ये बॉक्सिंग रिंग है, आई बिलीव बॉक्सिंग रिंग ही है ये एरिया, आई गेस बॉक्सर्स के प्रैक्टिस करने के लिए सारा इक्विपमेंट उस तरीके का है। यहाँ स्विंग्स और यू नो मिलिट्री टाइप वो भी बना रखा है, चढ़ने उतरने वाला, आई डोंट नो क्या बोलते हैं। फॉर्मल ट्रेनिंग अकेडमीज़ भी यहाँ पे, जैसे बॉक्सिंग क्लब लिखा हुआ है, बॉक्सिंग क्लब डॉट
org.ua, तो मे बी ये बहुत कोई अच्छा बॉक्सिंग क्लब भी हो सकता है, सिर्फ क्योंकि बेसिक सा सेटअप है, दैट डजेंट मीन, हो सकता है बहुत यू नो इनके टॉप लेवल कोचेस जो हों यहीं पे ही प्रैक्टिस वगैरह कराते हैं. जैसे मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी एथलीट्स यहाँ से कचालका से प्रैक्टिस करके इन लोगों के निकले हैं. और यूक्रेन ही नहीं, जब USSR था तब USSR के भी बहुत सारे ऐसे ही यहाँ पे, सिर्फ कीव में नहीं इन्होंने बना रखा एथलीट्स के प्रैक्टिस करने के लिए, ओडिशा वगैरह में भी. ओडिशा जो एक साउथ में बीच टाउन है यहाँ पर, एंड बाकी सिटीज़ में भी है. और ये कल्चर यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा था, बिकॉज अगेन जैसा मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत जितना मुझे पता चला है, यहाँ पर यूक्रेन वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड यू नो नेशंस अमंग द होल ऑफ USSR. यहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सब एक्सेल ये वो बहुत जनरेट होता था. तो उसको इन्होंने इस तरीके से क्रिएटिव प्रोडक्टिव यूज़ में इस तरीके से ले लिया. रशिया में भी आपको कहीं जगह ऐसे ओपन जिम्स मिल जाते हैं, जस माजदा बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी लोग यहाँ पे आ रहे हों, यहाँ पे प्रैक्टिस करें. तो इट्स नॉट कि ऐसे ही लोकल पार्क है और ऐसे ही लोग आ रहे हैं. मतलब क्या होता है कि ये एक फैसिलिटी, एक स्टोर हाउस या जो भी बोल लीजिए, इस तरह का एक एरिया बना रखा होता है जहाँ से आप बीच चेयर्स, बीच मैट्स, यू नो अगर स्नॉर्कलिंग वगैरह होती है वहाँ पर, तो वो सब इक्विपमेंट आप हायर कर सकते हो. एंड दे हैव लाइफ गार्ड्स ऑल्सो, ताकि आप इजीली एंड सेफली स्विम कर सको. एंड इनकेस अगर कोई नीड हो, दे हेल्प यू आउट. तो उसके लिए आप ऑफकोर्स कुछ फ़ी पे करते हो रेंट आउट करने के लिए इक्विपमेंट को. तो दैट इज़ हाउ दे मेक मनी. तो ऐसे उन्होंने हर बीच के थोड़े से पोर्शन को खरीद रखा होता है, एक्वायर कर रखा होता है, फिर उस पोर्शन पे एक्सेस के लिए आप उन्हीं के थ्रू जा सकते हो. तो ये बीच क्लब्स होते हैं. तो यहाँ पर जगह जगह बहुत सारे डिफरेंट बीच क्लब्स बने हुए हैं रखे यहाँ पे, फ्रेंड्स एंड फैमिली मतलब रेंट करके दे कैन चिल आउट. ये अभी तो गंदा पड़ा है, इट्स लाइक पूल ऑल्सो, कि आप आओ शावर लेके एंड देन पूल कर सको. ये लाइफ गार्ड बैठे हुए हैं, बोट्स वगैरह भी ले सकते हैं आप बोटिंग करने के लिए, मैनुअल भी हैं और मोटराइज्ड भी हैं. अनफॉर्चुनेटली पूरा एम्प्टी पड़ा है. ये देखिए मोटराइज्ड बोट, इस बेसिकली मोटर वाटर मोटरसाइकिल बेसिकली. टू दिख रही है जस्ट बिहाइंड दी गार्ड फ्लैग के साथ, ये रोदिना मत कहलाती है, मदरलैंड स्टैचू, यूक्रेन की कीव की आइडेंटिटी है ये रोदिना मत. और इसके नीचे एक बहुत बड़ा वॉर म्यूजियम है, जो वर्ल्ड वॉर टू में यूक्रेन के सोल्जर्स ने अपनी जो जान दी थी हमें रशिया के साथ. अगर आपको पता हो वर्ल्ड वॉर टू की हिस्ट्री, जर्मनी की काफ़ी बुरी हार हुई थी, वहीं से ही पलटना शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर. और उसमें और जो ये यूक्रेन तब रशिया के ही अंदर आता था, तो उनके काफ़ी सोल्जर्स मरे थे. तो उन सब की हिस्ट्री यहाँ पर, उस पूरी वॉर की, वर्ल्ड वॉर टू की हिस्ट्री, स्पेशली द रशियन एंड द यूक्रेनियन सेक्रीफाइस, स्पेशली द यूक्रेनियन स्पेसिफिकली सेक्रीफाइस, वो उस वॉर मेमोरियल जो म्यूजियम है उसमें बनाया गया है. आई हाईली रिकमेंड कि आप वहाँ जाएं. और वहाँ पे सिर्फ अब वर्ल्ड वॉर टू की यू नो सेक्रीफाइसेस के बारे में ही नहीं है, बल्कि जो रिसेंट हिस्ट्री में यूक्रेन ने वॉर लड़ी है, जैसे कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग जो USSR वर्सेस यू नो अमेरिका की कई जगह पे डिफरेंट बैटल्स हुई, वियतनाम में एटसेट्रा एटसेट्रा, वहाँ भी, अफगानिस्तान में, आजकल अफगानिस्तान इज़ इन न्यूज़, रशिया ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को 80s में. रशिया मतलब तब वो USSR था, और वो 10 साल तक लड़ाई चली थी और बहुत महंगी पड़ी थी USSR को. और बोलते हैं कि अफगानिस्तान इज़ दी ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, एंड जो रशियन एम्पायर यानी कि USSR का जो एम्पायर था उसका फॉल का कारण बना था. इतना खर्चा हुआ था उस वॉर में USSR का कि उसके बाद उनकी इकॉनमी बहुत बुरी हालत में हो गई थी. और ये जो डिफरेंट नेशनल आइडेंटिटीज़ थी, नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स यूक्रेन में और बाकी जितनी भी एक्स USSR कंट्रीज़ आज आप जानते हैं, वो नेशंस विद इन USSR हुआ करते थे, उनमें फिर वो नेशनल मूवमेंट्स आउटब्रेक हो गए कि हम अपनी इकॉनमी को अपनी तरीके से चलाएं, एंड USSR डिसइंटीग्रेट हो गया. तो उस वॉर में भी, अफगानिस्तान की वॉर में भी, जो भी सेक्रीफाइसेस यूक्रेन को करने पड़े उन सब को भी डिपिक्ट किया गया. प्लस रीसेंट जो हिस्ट्री में रशिया के साथ वॉर रही है, इन्वेजन ऑफ रशिया
इन यू नो क्रीमिया रीजन, उसके बारे में भी काफ़ी कुछ यू नो रशिया के सॉरी यूक्रेन के नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में बहुत कुछ वो वहाँ डिपेक्ट किया गया। हाईली रिकमेंड अगर आप समझना चाहते हैं स्पेशली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को एंड व्हाई यूक्रेन कंसिडर इटसेल्फ अ सेपरेट एंटिटी इवन दो इट स्पीक्स प्रीटी मच द सेम लैंग्वेज, मेजॉरिटी पीपल स्पीक रशियन एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, येट दे डू नॉट एसोसिएट विद रशिया इन एनी वे और वॉन्ट टू बी एसोसिएटेड, एंड येट देर इज़ अ फ्रैक्शन विच डेफिनेटली हैज सिंपथीज फॉर रशिया। तो वो क्या डायनमिक्स है पूरा अगर वो आप समझना जानना चाहते हैं इन डेप्थ मटीरियल आपको नेट पर तो मिल ही जाएगा। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि आप वो म्यूज़ियम देखें, आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरों है पीच साइड पर जो मुझे मिला है, लेट मी जस्ट गो इन साइड एंड चेक आउट द एम्बियंस। कोजाक इसका नाम है, कोजाक फॉर द पीपल्स of Ukraine before it became a formal you know territory called as Ukraine. यहाँ के जो aboriginal people हैं उनको कोजाक कहा जाता था, हाँ इसका कजाक से कोई लेना देना नहीं है, कजाकिस्तान और कजाक लोग, कोजाक मतलब ये जो दिख रहा है आपको। बेसिकली हॉर्स राइडिंग पीपल जो कि यू नो नॉर्डिक कंट्रीज से आए और फिर यहाँ पर लैंड वगैरह उन्होंने विन करके ये टेरिटरी एक्वायर कर ली बेसिकली, एंड देवर फाइटर्स थ्रू आउट। तो वो लैंड कॉन्करर्स थे एंड बेसिकली बैटल्स वगैरह लड़ते थे एंड नए नए लैंड एक्वायर करके अपनी एम्पायर में जोड़ते जाते थे। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, स्पेशली जो लोग यूक्रेन आ रहे हों या यूक्रेन के बारे में क्यूरियस हों या इन जनरल एक्स सोवियत कंट्रीज़ देखना चाहते हों, उनके कल्चर के बारे में जानना चाहते हों, तो दिस एंड दी अदर वीडियोज़ ऑन माई चैनल कैन बी हाईली यूज़फुल। देखते रहिए, फिर मिलता हूँ एक और एपिसोड में आपके साथ।